मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है मेरा दूसरा व्लॉग और अभी फ्राइडे ही है। मैं जा रही हूँ अपना डांस का वीडियो बनाने, तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ दूसरा, जो आपके साथ ये भी शेयर हो जाएगा कि मैं तैयार हो रही हूँ और मैं डांस करने जा रही हूँ। तो ये आएगा कल, ये तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि गर्मी है, डांस करने से पूरा पसीने में निकल जाएगा, बट थोड़ा सा टचअप जरूरी है ना, तो डांस करने से पहले थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाती हूँ। अभी लगा रही हूँ यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक अप्लाई कर ली है, अब लगाने जा रही हूँ काजल, बहुत थोड़ा सा। ये वाले इयररिंग्स डाल ले रही हूँ, थोड़ा सा येलो रेड मल्टी कलर में है। और मैंने इस सूट का दुपट्टा मैं नहीं लूंगी, मैं लूंगी प्लेन दुपट्टा जो कि डांस करने में इजीली बांधने में अच्छा रहेगा, तो मैं यहाँ पे दुपट्टा बांध के डांस करूंगी कुछ ऐसे। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो करके आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपना डांस स्टार्ट करने। पहले मैं सोच रही थी कि मैं दुपट्टा ऐसे करके रैप करूंगी, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने दुपट्टे को ऐसे लगा लिया है। चलिए डांस कर लेती हूँ, और डांस वाला वीडियो देखा कि नहीं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं करके फिर आपसे मिलती हूँ। डांस कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मुझे स्वेटिंग हो रही है, इस समय बहुत पसीना आ रहा है। तो अभी बस मैं 5 मिनट अपने स्वेट को थोड़ा सा सुखा लेती हूँ और उसके बाद फिर ड्रेस चेंज करूँगी। डांस मेरा हो गया है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, डांस करने के बाद कितनी गर्मी लगती है आप लोग को पता होगा अगर आप लोग डांस वांस करते हैं तो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। आज वर्मा जी ने मेरे लिए स्पेशली सैंडविच बनाई है, मतलब सबके लिए बनाई है, पर मैं जब नहाने चली गई तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म टोस्ट कर देता हूँ, तो सैंडविच मेकर में उन्होंने लगा करके बना दिया। आखिर वर्मा जी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर ही दिया। और चलिए अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद कैमरे के आगे आकर आपसे मिलती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए, मतलब मैंने सोचा चलो आज मशीन लगा देती हूँ मशीन को। कल मैंने चादर वादर निकाले थे बट कल वॉश नहीं किया था, एक्चुअली कल बहुत ज़्यादा काम था तो इसीलिए आज कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। और चलिए ये सारे कपड़े लगाती हूँ और फिर आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा कपड़े लगा लेती हूँ।
और मैं बार बार सोच रही हूँ पहले मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, बट मैं काम में इतनी ज़्यादा बिजी होती जा रही हूँ कि मैं आपसे अभी तक कैमरे के आगे नहीं आके बात कर पाई हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ किचन में, आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। तो मैं डोसे की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मैं पहले भी आपके साथ कई बार डोसे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए। तो बस आज मैं आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी, नारियल चटनी की, जो कि मैंने पहले नहीं शेयर करी थी। तो यहाँ पर मैंने सांभर रख दिया है उबलने के लिए, आलू भी मैं फ्राई करूंगी अभी। तो ये देखिए, ये मेरा बैटर है जो कि अभी बनेगा डोसा, तो वो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया जिससे वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। और उधर कपड़े लगे हुए हैं, इधर मैं किचन को भी क्लीन करती जा रही हूँ। थोड़े बहुत नाश्ते के बाद के जो बर्तन है वो सब हटा रही हूँ, कप वप है, क्योंकि कप टूटने का डर हो जाता है इसीलिए। और ये देखिए, काउंटर टॉप मैं पोज दे रही हूँ। किचन मुझे क्लीन अच्छी लगती है, वरना मेरे से काम नहीं हो पाता है, मुझे बहुत इरिटेशन होता है गंदी किचन देख करके। तो इधर किचन का काम करके फिर अब मैं कपड़ों के पास आ गई हूँ, वो कपड़े वॉश हो गए हैं, तो अब इनको फैलाने का, सुखाने का टर्न है। तो चलिए इन कपड़ों को भी फैला लेती हूँ। तो इधर मैं कपड़े वॉश करके आई हूँ, तो यहाँ पे वर्मा जी कुछ गैस की बुकलेट ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली गैस वाला नीचे हम लोगों को दिखा है, तो हमने गैस बुक करी थी बट वो काफ़ी दिनों से आया नहीं, तो वही वो यहाँ पे स्लिप ढूंढ रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि गैस की स्लिप कहाँ है। तो वही हम दोनों यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, और मैं इधर किचन का भी काम देखती जा रही हूँ, वर्मा जी की बात भी सुन रही हूँ, कपड़े भी देख रही हूँ, तो एक साथ तीन तीन काम करती जा रही हूँ। तो अभी चक्कर गिन्नी बनी हूँ मैं। और पीयू अभी ब्रेकफास्ट कर रही है, आज उसने लेट कर दिया ब्रेकफास्ट करने में, तो वही वो वहाँ चेयर पे बैठी हुई है। मैं उसको सॉस देने गई थी, उसने अभी सैंडविच नहीं खाया था, तो वही सब यहाँ पे चल रहा है। देखिए, फिर अब मैं आ गई हूँ कपड़ों के साइड पे, ये वर्मा जी सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं नीचे। बहुत ही केयरफुली काम करना है इस समय, बहुत डर भी है, तो वही अभी ये मास्क वास्क लगा करके जाएंगे नीचे। और हाँ, आप लोगों को दिल से थैंक यू, आप लोग मेरे डांस वाले वीडियो को बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुझे कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत पसंद किया मेरे डांस के वीडियो को, और मुझे बहुत सारे सजेशन भी आए कि दी आप इस गाने पर कीजिए, किसी ने बोला आप हरियाणवी गाने पे कीजिए। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पे डांस लेकर के आने के लिए। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे कपड़े सुखाने जा रही हूँ फैलाने के लिए, और पीहू बोल रही है कि मम्मा आप मेरे यहाँ मेरा टैडी भी वॉश कर दो। तो मैंने बोला बेटा अभी 2 दिन पहले ही तो आपका टैडी मैंने वॉश किया है। तो वही वो मुझसे यहाँ पर बातें कर रही है। और एक कमेंट मुझे बार बार आता है कि ये घर आपका है कि नहीं है, तो मैंने आप लोग को पहले भी बहुत बार बताया है मैं रेंट पे रहती हूँ, और मैंने आपको इसका एक अलग से अभी अपना हाउस टूर जो दिया है कुछ ही दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, उसमें भी मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग को स्किप करके मत देखा करिए, प्रॉपर अगर आप देखते हैं तो आपको सारी बातें पता चल जाती हैं, लेकिन आप लोग बीच में स्किप करके देखते हैं इसलिए शायद आप लोगों से मिस हो जाता होगा। तो यहाँ पर पीहू को मैंने कपड़े दे दिए हैं और वो गई है कपड़ों को रखने के लिए, वो बोल रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, इसीलिए वो गई है मेरे को कपड़े, अभी मैं जाऊँगी उधर फैलाने के लिए। तो मेरे सारे कपड़े वॉश हो गए हैं, मेरा सांभर भी बन गया है, आलू फ्राई हो गया है, अब मैं यहाँ पे चटनी पीस रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने चटनी नहीं बनाई थी। तो मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया डाली है,
हरी मिर्च डाली है, मूंगफली के दाने डाले हैं, और मेरे पास नारियल गोला सूखा वाला जो होता है ना वो रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, और बस फिर पानी डाल करके अब हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। हाँ, चने भी मैंने इसमें डाले हैं, थोड़े से चने मेरे पास रखे हुए थे, इसे फुटेरा चना बोलते हैं यूपी साइड में, आप लोग जानते होंगे, अगर आप यूपी से हैं तो बताइएगा, इसे फुटेरा चना बोलते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पीस लिया है और मैं इसका छौंक यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, केवल मैं राई से छौंक रही हूँ, आप अगर मिर्ची डालना चाहें तो भी डाल दीजिए। छौंक करके बस इसमें हमको इसको ढक देना है, जिससे इसका स्मोकी फ्लेवर जो है अंदर ही रहेगा। तो हमारी यहाँ पे देखिए यम्मी यम्मी गरी की चटनी तैयार है, और फिर से मुंह में पानी आ गया है। लीजिए, हमारा यहाँ पे डोसा भी तैयार है, आइए आप भी मेरे साथ गर्मा गर्म डोसे का लुफ्त उठाइए। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपसे मिलने के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अभी हमारा सारा काम हो चुका है, मतलब मेरा सारा काम हो चुका है, बस मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलो अब आपसे मैं कैमरे के सामने आकर के बात कर लेती हूँ। कल का वीडियो मैंने कंटिन्यू किया है आज, तो आज मैंने सुबह से पहले नाश्ता किया, फिर घर वर क्लीन किया, नहाया धोया, नाश्ता किया, उसके बाद मुझे आज बहुत ढेर सारे कपड़े धुलने थे, तो वो सब आपने देखा मैंने धुल लिए हैं। चादर एक्चुअली मैंने कल ही निकाला था, बट मैंने कल बहुत ज़्यादा काम था तो मैंने कल नहीं कपड़े धुले थे, आज मैंने वॉश करे हैं, वो सब फैला दिए हैं। अब तो धूप इतनी तेज है कि ऑलमोस्ट वो सूखने ही वाले हैं। और हाँ, और जो आपने ये टाइटल देखा है ना, तो मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहती थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ हैं, वो जो प्रेग्नेंट हैं, 38th मंथ उनका चल रहा है, और वो पॉजिटिव हैं। तो मतलब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन डॉक्टर उनका केस हैंडल करेंगी, ये सब बातें सोच के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और पता नहीं क्या होगा। तो आप लोग भी प्रे करिएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, उनकी डिलीवरी ठीक हो, उनका बेबी ठीक हो, बस यही था। तो मुझे, मैंने आप लोग के साथ ये बात डिस्कस करी कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके साथ ऐसा हो जाता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस यही था आज का छोटा सा वीडियो व्लॉग, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ज़्यादा आज कोई रेसिपी तो थी ही नहीं, बस थोड़ा चिट चैट और थोड़ा काम था, डेली घर का काम जो होता है। आपने मेरे कल डांस वाले वीडियो को फिर से बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं आपको वीक में एक डांस जरूर वीडियो दूंगी, तो मैंने सोचा है कि मैं फ्राइडे आपको एक डांस वीडियो लाके मतलब दिखाया करूंगी, एक डांस वीडियो। तो कोशिश करूंगी नेक्स्ट फ्राइडे फिर आपको एक अच्छा सा वीडियो ला करके पेश करूं आप लोगों के लिए। तो चलिए इसी के साथ अब ये वीडियो यहीं फिनिश कर देती हूँ, मिलती हूँ कल, बाय, टेक केयर, बाय बाय।